हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो गाइज, ऐसे दो मास गेनर जो आपको एक बार जरूर ट्राई करने चाहिए। यदि आपका वजन कम है, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको मास गेनर जरूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन इंडियन मार्केट सप्लीमेंट से भरी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा जो सप्लीमेंट है वो इंडियन मार्केट में मिलते हैं। लेकिन एक सही मास गेनर चूज करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप गलती से भी कोई गलत मास गेनर उठा लाए और आपने उसका यूज़ किया, तो आपके इंटरनल ऑर्गन पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए एक सही मास गेनर चूज करना आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। मास गेनर परचेज करने से पहले आपको अपने आप से दो क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका गोल क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप आगे भी इस मास गेनर को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके जहन में होने चाहिए, तभी आपको एक मास गेनर परचेज करना चाहिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरा गोल क्या है, तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, यदि आप पतले हो और लेकिन पतले पर भी काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, वो दिखने में पतला लगता है लेकिन हड्डियों पर जो फैट है वो चढ़ा हुआ होता है। और दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो पतले भी होते हैं, उनकी हड्डियाँ भी दिखती है। तो इन दोनों कैटेगरीज के जो लोग हैं उनको मास गेनर ही परचेज करना चाहिए, वेट गेनर के चक्कर में नहीं पड़ना। इससे आपका मसल मास भी इंक्रीज होगा, साथ में वेट भी इंक्रीज होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मैं आगे भी इसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो गाइज, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो जो उसमें मास गेनर परचेज कर लाते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी ले लेते हैं, उनका वेट भी गेन हो जाता है। लेकिन जब अगले मास गेनर को परचेज करने की बात आती है, तो उनके पास पैसे नहीं होते, उसके फैमिली उसे इस चीज़ के लिए पैसे नहीं दे पाते, तो वो मास गेनर यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो उनका वेट है वो फिर से कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको दूसरे क्वेश्चन पर जरूर विचार करना चाहिए कि क्या मैं आगे भी इसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि अगर आप कैलरीज कम लेंगे तो आपका वजन कम होगा। तो इस सिचुएशन में आपको दो चीज करनी है, या तो आपको वो सप्लीमेंट फिर से परचेज करना है और आपको इनटेक करना है, तभी आपका जो वेट है वो उस पर मेंटेन रह पाएगा। दूसरा, आप उस कैलरीज के हिसाब से अपनी डाइट को मेंटेन कीजिए, तो भी आपका वजन रुक जाएगा। यदि आप डाइट ले सकते हो उस हिसाब से, तो आपका बिल्कुल भी वजन कम नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी है। तो मास गेनर परचेज करने से पहले आपको इन दो चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना है। और बात करें दो ऐसे खास सप्लीमेंट के जो आपको यूज करने चाहिए, तो वो सिंपल से मास गेनर इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सबसे पहला है लवराडा का मास गेनर, और दूसरा है आरसी का, आरसी कोलिमन कंपनी का आता है प्रीमियम एंटीएम प्रो, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा, आपके वेट गेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।